हेलो बच्चों, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड आर फोकस वॉज डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट इज पैंक्रियाज। ओके बच्चों, आई होप यू हैव क्लियर एवरीथिंग इन योर माइंड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इट इज द, हाँ जी बिल्कुल सही बात बच्चों, लिवर। ओके लिवर्स, लिवर डायग्राम तो मैंने पहले भी बना रखा है, फिर से बना लेते हैं ताकि फिर से हमें चीज़ें समझ में आने लगें। ये रहा आपको बच्चों स्टमक। ओके, और इसके ऑपोजिट टू स्टमक लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज लिवर, ये यहाँ ओपन होगी। ओके, और यहीं इसी के पास में खास ऑर्गन और प्रेजेंट होगा एंड दैट ऑर्गन इज गॉल ब्लैडर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिवर। सो फर्स्ट लोकेशन, लोकेशन क्या रहने वाली है लिवर की, कहाँ मिल रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर दिखाई दे रहा है तो कहाँ मिल रहा है, इट इज लोकेटेड स्टमक के ऊपर नहीं बच्चों, इट इज लोकेटेड ऑपोजिट टू द स्टमक, इट इज लोकेटेड ऑपोजिट टू द स्टमक। एंड सेकेंड थिंग कि इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आर बॉडी, वेदर एक्सोक्राइन वेदर एंडोक्राइन, अगर दोनों की बात करें कि एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड है हॉर्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड है, तो इन सब ग्लैंड्स में लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, एंड और क्या रहेगा, टू मेजर लोब्स आर प्रेजेंट, कौन कौन से लोब हो सकते हैं बच्चों, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, यू मैं डिवाइड कर देती हूँ, इट इज राइट वन एंड इट इज लेफ्ट वन। ओके, और तो हमारा गॉल ब्लैडर किस साइड के लोब की तरफ रह रहा है बच्चों, या इट इज टुवर्ड्स द राइट लोब। ओके, आर एल लिख दिया मैंने, आर राइट एंड एल लेफ्ट लोब, गॉल ब्लैडर पिंक कलर में ये दिखाई दे रहा है गॉल ब्लैडर। ओके, हाँ, अब लिवर एक्चुअली क्या करेगा, लिवर बहुत सारे फंक्शंस हैं, लिवर के सो मेनी फंक्शंस आर देयर, बट हियर आई एम टेलिंग यू द फंक्शन रिलेटेड टू डाइजेशन। सो लिवर सिक्रीट द बाइल, ओके बाइल इज अ सिक्रीशन ऑफ लिवर। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द बाइल, इट डज नॉट, फोकस करना है, कंटेन्स एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो भाई इसका रोल क्या है, जब ये डाइजेशन में डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट ही नहीं कर रहा है या इसके पास है नहीं, तो व्हाट इट विल डू इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बिकॉज डाइजेशन इज रिलेटेड, इज इन डाइजेशन एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। ओके, तो इसका काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट, इट इमल्सीफाई द फैट और इमल्सीफिकेशन ऑफ फैट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, इमल्सीफिकेशन ऑफ फैट्स, एक लाइन में यहां से लिख करके आना है, पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल व्हेन इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सीफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट मीन्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल। ओके, और कहाँ करेगा ये, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में करेगा, फर्स्ट पार्ट विच इज नोन एज ड्यूओडेनम। तो ये क्या है आपके, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, और आफ्टर एक्शन ऑफ बाइल दे कन्वर्ट इंटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स,
ओके ये फायदा क्या है बच्चों कि हम लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल. फायदा क्या है? फायदा है आफ्टर इमल्सिफिकेशन डाइजेशन ऑफ फैट्स विल बी ईजी. वाई? बिकॉज इट्स डाइजेशन स्टार्ट एट लास्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. आपकी कार्बोहाइड्रेट्स का कहाँ स्टार्ट हो गया? बकल कैविटी में. आपकी स्टमक का कहाँ, आपका प्रोटीन्स का कहाँ स्टार्ट हो गया? प्रोटीन्स में. अभी तक फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसका लास्ट में स्टार्ट होता है और ईजी नहीं है डाइजेशन. तो पहले क्या करना पड़ेगा? बाइल के थ्रू लार्ज जो ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉल में तोड़ना पड़ेगा. अरे भाई आप बड़े मिट्टी का एक डेला उठाओ बड़ा सा और उसको पानी में डालो और एक छोटी सी डेली उठाओ उसको पानी में डालो, कौन सा पहले डिजोल्व हो जाएगा? छोटी वाली ना. क्यों? क्योंकि उस पर वाटर ने एक्शन किया. तो छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स होंगे उस पर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि पेंक्रियास से आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पेंक्रियाटिक लाइपेज विल वर्क इजीली एंड डाइजेशन ऑफ फैट्स विल बी इजियर. दैट्स व्हाई बिफोर डाइजेशन ऑफ फैट्स देयर इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. यू कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, बाइल के पास एंजाइम्स नहीं होते हैं. ये हो गया फंक्शन ऑफ बाइल रिलेटेड टू डाइजेशन. अगर बाइल के पास एंजाइम्स नहीं होते, ये थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, तो क्या होगा कि बाइल के पास होता तो कुछ बहुत कुछ है, लेकिन हमें जानना क्या है कि बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स. बाइल सॉल्ट्स रहेंगे, बाइल पिगमेंट्स रहेंगे. कौन कौन से हो सकते हैं बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स? बाइल सॉल्ट्स हैं बच्चों बाइलीरुबिन एंड बाइली बर्डिन, विच इज येलो इन कलर एंड इज ग्रीन इन कलर. कीप दिस थिंग इन माइंड. दीज आर बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल सॉल्ट नहीं, बाइल पिगमेंट्स. सॉल्ट्स अलग होते हैं, सोडियम ग्लाइकोकॉलेट, सोडियम टोरोकॉलेट, जो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है. और बाइल का नेचर कैसा होता है? भाई बाइल इज एल्केलाइन इन नेचर. ये चीज़ दिमाग में रखनी है. ओके, एंड एल्केलाइन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस सॉल्ट्स. ओके, क्लियर इन योर माइंड? एक्सेप्ट दिस. बाइल को रिसीव कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. सिक्रीट कहाँ से हो रहा है? लिवर से. तो बीचों बीच गॉल ब्लैडर कहाँ से आ गया? ये गॉल ब्लैडर जो बना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गॉल ब्लैडर? इट इज टेम्परेरीली स्टोर्स, इट टेम्परेरीली स्टोर्स बाइल जूस. ओके, सो अगर हम गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं, क्या होगा? स्मॉल ग्रीनिश स्ट्रक्चर लोकेटेड क्या होगा? टुवर्ड्स द राइट लोब ऑफ लीवर. एंड फंक्शन क्या है इसका बच्चों? फंक्शन है विच टेम्परेरी TEMPORAILY टेम्परेरी स्टोर्स बाइल जूस. यानी कि सीधा बाइल जूस को हमें कहाँ नहीं पहुँचाना होता? स्मॉल इंटेस्टाइन में. पहले उसका स्टोरेज होगा कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में. दैट क्लियर बच्चों? ओके, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी बहुत सारे सिक्रीशंस करती हैं. ओके, एंड द सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, खास तौर से किसका? ईलियम. बताया था ना, लास्ट लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉम्पिटिशन के पर्पज से.
small intestine is ileum, and its जूस, सिर्फ इसी का इंटेस्टिनल जूस, पूरे का नहीं, नोन एज, क्या बोलेंगे बच्चों, सक्सेस नहीं, मैंने क्या लिख दिया, सकस एंटेरिकस, ये बात दिमाग में रखनी है, ओके, एंड Digestion completes in this portion. Digestion completes in this portion, and after digestion, carbohydrates. क्या बनाने वाले बच्चों? Glucose. आपकी proteins क्या बनाने वाली होती है बच्चों? Amino acids and आपके फैट्स क्या बना ले, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फैट्स के क्या बनाएंगे आफ्टर डाइजेशन बच्चों? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ओके, सो आई होप दिस यू विल स्टडी, ओके, टिल देन बाय बाय.